हेलो एवरीवन, मैं महेंद्र प्रताप सिंह आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल इंग्लिश की बात में, जहाँ होगी केवल इंग्लिश की बात। लास्ट वीडियो में आपने देखा है कि हम अपने जो कन्वर्सेशन हैं उनको इलेबरेट करने में लगे हैं, और दोनों तीनों वीडियोस अगर आपने देखे हों तो उनसे आपको काफ़ी बेनिफिट मिला होगा, जिनमें हम ये सीख रहे हैं कि अपने इंग्लिश कन्वर्सेशन को हम कैसे स्टार्ट करें और किस प्रकार से उसको इलेबरेट करें। और जो कल तक का जो वीडियो था उसमें आपने ये नोटिस किया होगा कि बहुत अच्छे से हम WH वर्ड की सहायता से क्वेश्चन आंसर करते हुए आगे तक बढ़ते जाते हैं, और ये एक सुपर तरीका है, एक ईजी आइडिया है, जिससे आप आराम से 3-4-5 मिनट्स तक, स्टिल अभी अभी आप इस लेवल तक पहुंच चुके होंगे कि किसी भी आप इंग्लिश के टॉपिक को 4 से लेकर 5 मिनट तक कन्वर्स कर चुके होंगे। अब मैं जैसे इनको एक बार रिपीट कर देना चाहता हूँ, हम किसी भी बात को कंफर्म करने के लिए डू से सेंटेंस स्टार्ट करते हैं, उसके जस्ट बाद में हम स्टार्ट करते हैं वो टाइम, उसके बाद का जो WH वर्ड मैंने आपको दिया वो दिया वैन, उसके बाद में मैंने दिया आपको वेयर, उसके बाद मैंने आपको दिया हाउ, उसके बाद मैंने आपको दिया हु और विद, उसके बाद मैंने आपको दिया जिसको आप बोल सकते हैं हु विद और वाई। इस प्रकार से जितने भी WH वर्ड आपको मिले हैं एक पॉइंट को लेके इनकी सहायता से आप क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, और उस प्रकार से आप धीरे धीरे अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। आई नो कि इंग्लिश कन्वर्सेशन, इंग्लिश स्पोकन वो नहीं है कि आप क्वेश्चन पूछे सामने वाला आंसर दें, लेकिन अगर आपको मैं एक चीज़ थोड़ा सा याद दिलवाना चाहता हूँ कि स्टार्टिंग में जब हम कोई चीज़ स्टार्ट करते हैं, आप कहाँ से कैसे क्या जो भी कुछ है, क्वेश्चन आंसर से स्टार्ट होता है, अभी आपकी शुरुआत लेवल है, इसीलिए आप क्या करेंगे धीरे धीरे ऐसे क्वेश्चन आंसर से आप क्या कर पाएंगे, आराम से इससे उभर पाएंगे और अपने इंग्लिश को स्टार्ट कर पाएंगे, और जो भी आंसर है आफ्टर सम टाइम आप इन सबको ऑल टुगेदर एक साथ करके जब आप स्पीक करेंगे तो आप खुद पाएंगे कि काफ़ी सारी चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं और अपना कन्वर्सेशन बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे, आप जब भी आपने कभी डांस क्लास ज्वाइन की हो तो आपको पूरे गाने पे कभी एक साथ डांस नहीं सिखाया जाता, पहले आपको छोटे 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 जो स्टेप्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 कुछ ऐसा कर करके आपको उनको स्टेप्स में सिखाया जाता है, और उसके बाद में जब अचानक से गाना चलाया जाता है पूरा और आप पूरा डांस एक साथ कर जाया करते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा महसूस होता है। ठीक वही स्टेप अपने इसका रहेगा। आज के जो 2 WH वर्ड हैं वो मैं पहले बता देता हूँ, उसके जस्ट बाद में पीछे से कोई एक टॉपिक लेंगे और उसका कन्वर्स करके मैं आपको दिखाऊंगा, आपको होमवर्क भी मिलेगा। उम्मीद है कल जो मैंने होमवर्क दिया था उसको आपने कंप्लीट कर लिया होगा, और अगर किया है तो पक्का मानिएगा आपको इंग्लिश में काफ़ी सुधार नज़र आ रहा होगा। आज का जो टॉपिक है वॉट काइंड ऑफ, अब ये वाला जो WH वर्ड है फिर से मैं याद दिलवा देना चाहता हूँ आपको, मैं जितने भी आपको क्वेश्चन वर्ड या WH वर्ड दूंगा वो सभी टॉपिक्स पे मैच नहीं होंगे। आपको ये डिसाइड करना है क्या ये WH वर्ड इस टॉपिक से रिलेवेंट हो पा रहा है, मैच कर पा रहा है, तो आप उसको यूज़ करें, अगर वो रिलेवेंट नहीं है तो आप उसको मैच नहीं करें। आप देख पा रहे होंगे अगर अगर इस जो WH वर्ड इसको अगर टेक टी पे लें तो ये मैच हो सकता है, वॉट काइंड ऑफ टी डू यू लाइक, आपका क्वेश्चन ये रहा तो आप क्या बोलेंगे, पहले नंबर का आंसर आई लाइक ग्रीन टी, क्योंकि आपको पता है कि चाय ग्रीन टी होती है, मिल्क टी होती है, ब्लैक टी होती है, हर्बल टी होती है, लेमन टी होती है, इस प्रकार से कई प्रकार की चाय होती है, तो आप कौन सी चाय पसंद करते हैं ये समझ में आता है, इस पर रिलेवेंट हो पाता है। लेकिन हर जगह ये जरूर नहीं कि ये WH वर्ड रिलेवेंट हो पाए, इसीलिए मैं आपको काफ़ी सारे WH वर्ड और क्वेश्चन वर्ड दूंगा, जितने हो जाएं उसको आप आराम से कर पाएंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना है, जब आपकी सभी WH वर्ड कंप्लीट हो उसके बाद में इस वाई को उठाना है, क्योंकि वाई ऐसा WH वर्ड है जो आपके कन्वर्सेशन को स्पीड देगा, नया रूप दे देगा, और आपकी जो कन्वर्सेशन स्पीड है उसको रुकने नहीं देगा। अभी बताते हैं कैसे आगे बढ़ेगा। इसके बाद में व्हाट काइंड ऑफ के बाद में आप लेंगे हाउ लॉन्ग, हाउ लॉन्ग ये ऐसा WH वर्ड है, दिखने में ऐसा दिखता है हाउ लॉन्ग कितना लंबा, लेकिन एक्चुअली इसका सेंस ये नहीं, इसका सेंस है कितना समय लगा।
अब आप देख पा रहे होंगे कि स्टेक टीपीस को मैं लेना चाहूँ तो एकदम गलत हो जाएगा। हाउ लॉन्ग डू यू टेक टी, आप कितने समय तक चाय लेते हैं। अब चाय क्या ऐसा थोड़ा है कि सुबह से मैं चाय पीने बैठूंगा तो 4 घंटे तक चाय चाय पीऊंगा। एक छोटा सा टाइम होता है जो 5 से लेकर 10 मिनट के बीच में हम सिप सिप करके उसको पी जाया करते हैं, और इतना कोई इशू है नहीं कि चाय 5-7 घंटे के लिए पी जाती है। तो ये तो फिर अजीब सा लगेगा कि हाँ नहीं, मैं सुबह से चाय पीने बैठता हूँ और 5-6 दिन तक चाय पीते रहता हूँ, ऐसा फिर कोई अजीब सा आंसर आए, उससे बढ़िया है कि मैं ऐसा क्वेश्चन करेंगे नहीं। लेकिन अगर ऐसा कोई आपके पास में पॉइंट होता लाइक गो टू स्कूल, तो आप बोल सकते थे हाउ लॉन्ग डज इट टेक, ये कितना समय लेती है, इट मीन्स स्कूल जाने में कितना समय लगता है। तो आप बताते इट टेक्स अराउंड, यू कैन से हाफ एन आवर, ये लगभग हाफ एन आवर में होता आधा घंटा, 2 आवर 2 घंटे, 1 आवर 1 घंटा, इसको आवर नहीं आवर बोलते हैं। तो इस प्रकार से आप हाउ लॉन्ग का यूज करेंगे कितने समय के लिए। अगर आपको ये लर्न नहीं हो पा रहा है तो प्लीज़ आप राइट कर सकते हैं इसको। उसके बाद में जो भी टॉपिक आपके पास में आए उसको आप इन्हीं डब्ल्यू एस वर्ड से शुरुआत करके जो रिलेवेंट क्वेश्चन लगते जा रहे हैं उनको लगाते जाएंगे और आप आगे बढ़ते जाएंगे। कमेंट बॉक्स में आप ये जरूर डालें जब आप ये बनाएं कि कौन सा ऐसा क्वेश्चन है जो आपने बना लिया, अब आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि सर इज़ इट रिलेवेंट क्वेश्चन और नॉट, क्या ये रिलेवेंट क्वेश्चन है और या नहीं है, या फिर कौन सा आपको इनमें से सबसे अच्छे समझ में आई, ये डब्ल्यू एच मेरे अच्छे से समझ में आया, या सर ये डब्ल्यू एच वर्ड मेरे अच्छे से समझ में नहीं आया, तो उसका मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि आगे आने वाले हर एक टॉपिक में हम कम से कम 10 से लेकर 12 वीडियो में इन सबका जब बार बार रिपीटेशन में इनको हम लेके आएंगे तो आराम से आप इसको कवर कर पाएंगे और बहुत बहुत अच्छे से किसी भी कन्वर्सेशन को स्टार्ट कर पाएंगे। पॉइंट पे आते हैं, अब मैं लेता हूं एक आपके जो मैंने होमवर्क दिया था, राइट लेटर और दूसरा पॉइंट है गो टू स्कूल। मैं आपको किसी एक पॉइंट पे जो है ये करके दिखाता हूं कि हम कन्वर्स कैसे करें। हम ये वाला पॉइंट ले लेते हैं, आप चाहे तो ये भी वाला भी ले सकते हैं, मैं एक पे करके दिखाता हूँ। आप जस्ट इमेजिन कीजिएगा मेरा दोस्त सामने खड़ा है, मैं इससे बातचीत कर रहा हूँ, मैंने पूछा डू यू गो टू स्कूल। आप बहुत गौर से सुनिएगा और आप भी अपने पार्टनर से ये इन फ्रंट ऑफ मिरर आप ऐसे टॉकिंग किया करेंगे, इन डब्ल्यू वर्ड को अपने जहन में डाल के अपने माइंड में डाल के कि मैं ये पूछूँ अच्छा रहेगा। मैं फिर से बोल रहा हूँ स्पीड से बोलना इंग्लिश नहीं होता, प्योर बोलना इंग्लिश होता है। स्टार्टिंग में आपको प्योरिटी पर फोकस करना है, स्पीड ऑटोमेटिकली आने लग जाएगी। तो आप आते हैं, जैसे मैंने कहा डू यू गो टू स्कूल, यस आई गो टू स्कूल, आप जो मॉर्निंग का जो है आपका जो ग्रीट है वो तो कर ही लेंगे, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, आई एम फाइन थैंक यू, एंड व्हाट अबाउट यू, आई एम आल्सो फाइन, हाउ इज़ योर लाइफ, इट्स गोइंग सुपर्ब, एंड व्हाट अबाउट यू, एंड इट्स हाउ इज़ योर लाइफ, इट्स गोइंग आल्सो सुपर्ब, थैंक यू, लेट्स स्टार्ट आवर कन्वर्स, डू यू गो टू मॉर्निंग वॉक, यस आई गो टू मॉर्निंग वॉक, वो टाइम डू यू गो टू मॉर्निंग वॉक, बहुत गौर से सुनिएगा, मेरी तरह आप भी किया करेगा। वो टाइम डू यू गो टू मॉर्निंग वॉक, आई गो टू मॉर्निंग वॉक एट 6:30, 7:30, एट जो भी उसका टाइमिंग हो बताएंगे। व्हेन डू यू गो टू मॉर्निंग वॉक, आई गो टू मॉर्निंग वॉक इन द मॉर्निंग एंड इन द आफ्टरनून एंड समटाइम्स इन द इवनिंग आल्सो। अब देखना आप, जिससे कल मैंने एक डब्ल्यू एच वर्ड और बताया था, हाउ मैनी टाइम्स, हाउ मैनी टाइम्स, ये मैंने बताया था कि हर बार तो नहीं लेकिन कई जगह मैच होता है। अब ये कन्फ्यूजन रहा आपको जब आपके फ्रेंड ने ये आंसर दिया कि आई गो टू स्कूल इन द मॉर्निंग इन द आफ्टरनून मैनी टाइम्स इन द इवनिंग, इट मीन्स कितनी बार स्कूल जाएगा भाई। तो अपना आंसर रहेगा हाउ मेनी टाइम्स डू यू गो टू स्कूल, कितनी बार स्कूल जाता है। तो ये बोलेगा आई गो टू स्कूल ट्वाइस इन अ डे, मैं एक दिन में 2 बार स्कूल जाता हूँ, क्योंकि मेरा जो कोचिंग है जो कोचिंग टाइम है वो भी स्कूल में ही है, जो क्लासेज लगती हैं स्कूल में लगती हैं तो 2 बार जाता हूँ, कई बार टीचर्स एक्स्ट्रा आते हैं तो हो सकता है दोपहर में शाम को भी, एंड मेनी टाइम्स थ्राइस इन अ डे, और कई बार तो मैं 3-3 बार स्कूल चला जाता हूँ। ओके नो मैटर, वेयर डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कहाँ जाते हैं, इट मीन्स ये एक बार का रिलेवेंट नहीं लगता, लेकिन अगर हम इसका दूसरा सेंस लें तो इसका सेंस ये होता है कि वेयर इज योर स्कूल और वेयर इज इट, ये कहाँ है, इज इट मीन्स स्कूल, ये स्कूल कहाँ है। तो तुरंत आपका जो आंसर आएगा इट इज़ इन जयपुर, और आप अगर दोनों फिक्स स्थान देना चाहते हैं एग्जैक्ट प्लेस तो आप बताएंगे इट इज़ एट इंदिरा कॉलोनी इन जयपुर, ये इंदिरा कॉलोनी जयपुर में है।
हाउ डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल कैसे जाते हैं, तो तुरंत आप बता सकते हैं आई गो टू स्कूल ऑन फुट, आई गो टू स्कूल ऑन बाइक, आई गो टू स्कूल बाई बस, जो भी आपका जवाब है। डू यू गो टू स्कूल अलोन, क्या आप स्कूल अकेले जाते हैं? नो नो नो, आई डोंट गो टू स्कूल अलोन, मैं स्कूल अकेला नहीं जाता। फिर आपका ये क्वेश्चन आ जाएगा, देन हु डू यू गो टू स्कूल विद, पहले हु फिर फर्स्ट क्वेश्चन फिर विद, हु डू यू गो टू स्कूल विद, आप स्कूल किसके साथ जाते हैं, तो आपका आंसर कुछ भी हो सकता है। आई गो टू स्कूल विद माई फ्रेंड्स, आई गो टू स्कूल विद माई फादर, जिस मान लो कि आपके पापा का ऑफिस भी उस तरफ हो, तो आपके पापा डेली आपको ड्रॉप करते हों। आई गो टू स्कूल विद माई ब्रदर, मैं मेरे भैया के साथ में स्कूल जाता हूँ, क्योंकि वो भी मेरे से फर्दर जो क्लासेज उसमें स्टडी करते हैं। आई गो टू स्कूल विद माई सिस्टर, हो सकता है आपकी छोटी बहन हो और आप एक के साथ बाइक पे जाते हो, जो भी आपका आंसर आप आराम से यहाँ दे सकते हैं। वाई को फिलहाल अभी नहीं बोलना है। ओके, वॉट काइंड ऑफ स्कूल डू यू गो टू स्कूल, ऐसे नहीं हो सकता। इस पे आते हैं, हाउ लॉन्ग डज इट टेक, जब कहा कि आप स्कूल जाते हैं तो हाउ लॉन्ग डज इट टेक, आपकी जर्नी है वो कितना समय लेती है, तो आप तुरंत बताएंगे इट टेक्स अराउंड हाफ एन आवर, इट टेक्स अराउंड 1 आवर, इट टेक्स अराउंड 1 एंड हाफ एन आवर, जो भी आपका टाइमिंग हो, इट टेक्स ओनली 20 मिनट्स, से लगभग 20 मिनट के आसपास ही लेती है। ओके, आप बताएंगे जब आपको ये पता चला है कि आधा घंटे के आसपास उनको जाने में लगता है और ये 6:30 बजे के आसपास घर से रवाना होता है, बट आपके हिसाब से आपका दोस्त हमेशा लगभग गेट लेट हो जाता है, लेट हो जाता है, तो आप बताएंगे इफ़ यू डोंट माइंड कैन आस्क वन थिंग, ओ श्योर इट्स माई प्लेजर, यू टोल्ड मी दैट यू इट टेक्स अराउंड हाफ एन आवर, आधा घंटा लगता है, एंड यू स्टार्ट फ्रॉम योर हाउस अराउंड 6:30, आप 6:30 बजे घर से रवाना होते हैं, क्योंकि इसने जवाब दे दिया होगा, आधा घंटा जाने में लग जाता है, इट मीन्स यू रीच देयर अराउंड 7 o'clock, 7 बजे पहुँच जाते होंगे, बट वाई डोंट यू रीच द स्कूल एट टाइम, आप समय पे, ऑन टाइम, आप समय पे क्यों नहीं जाते हैं स्कूल, तो फिर इसका जवाब जो भी है, एक्चुअली मेनी टाइम्स आई गेट स्टक इन ट्रैफिक, मैं कई बार जो है जो ट्रैफिक होता है उसमें अटक जाता हूँ, सो आई गेट लेट यूजुअली, इसलिए मैं यूजुअली लेट हो जाया करता हूँ, इज इट क्लियर। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा, जब थोड़ा सा कन्वर्स चेंज होगा, अभी आपको मैं जो बता रहा हूँ उसी पे फोकस रखें, धीरे धीरे सीखने की कोशिश करें, आराम से सीख जाएंगे आप। तो फिर मैं ये भी बताऊंगा कि वाई किसी भी कन्वर्सेशन को रुकने क्यों नहीं देता है, छोटी छोटी बातों को जब कंटिन्यू एक से बाद में दूसरा, दूसरे बाद में तीसरा, एक्चुअली वाई वो WH वर्ड है जो किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे कब ले आता है पता नहीं चलने देता, और आपने देखा होगा ये एकदम बिल्कुल रियल एग्जाम्पल है, अपने घर पे अगर अपने चाची आती है, अपने ताई आती है और वो बैठ के बातचीत करते हैं, अपने बड़े पापा आते हैं या अपने रिलेटिव आते हैं, वो किसी भी बातचीत की शुरुआत करने बाद में कब वो आगे तक पहुंच जाते हैं विदाउट एनी नोटिस, बिना किसी ध्यान के, आते सबसे पहले ग्रीट करेंगे, उसके बाद में क्या आपके हाल चाल हैं, अच्छे हैं, और सुनाओ सब कुछ अच्छा है, बिजनेस कैसा चल रहा है, बिजनेस तो ठीक है लेकिन अभी लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन की वजह से अपना बिजनेस थोड़ा सा स्लो हो गया है और काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें भी आ रही हैं, लोग इधर से उधर जा रहे हैं, अपने कोरोना काफ़ी, COVID-19 काफ़ी फैल रहा है, उसके बाद में इसकी तो मेडिसिन भी नहीं आ पा रही है, काफ़ी सारे लोग इसकी कोशिश कर रहे हैं इसके लिए, और इसका एक ही इलाज है कि बहुत ज़्यादा हाथों को वॉश करें, हैंड वॉश करें, और अपनी सिक्योरिटी खुद के पास में है, अपने घर पे बने रहें, स्टे एट होम एंड बी सेफ। ओके, इस अगर घर पे रुक जाएंगे तो बिजनेस कैसे होगा, बिजनेस भी काफ़ी स्लो हो गया आजकल, ऑनलाइन बिजनेस भी स्टार्ट हो गया है, जैसे कि आजकल MP सर भी ऑनलाइन क्लासेस लेने लगे हैं, उनका भी यूट्यूब चैनल है, पहले ऑफलाइन ही लिया करते थे, ऑफलाइन है लेकिन अब स्कूलें तो काफ़ी टाइम बाद में खुलेंगी, उसके बाद में बच्चों का नुकसान हो जाएगा, बच्चे काफ़ी बेक आ गए हैं, बस मैं इतना ही बताना चाहता हूँ, जितनी बातचीत मैंने आपको बताई उसी बातचीत में हम देखते हैं स्टार्ट कहाँ से हुई थी, स्टार्ट हुई थी ग्रीटिंग से, उसके बाद में बिजनेस से, बिजनेस के बाद में हम कोरोना पे आ गए, COVID-19 पे, उसके बाद घर पे रुकने की बातचीत आ गई, उसके बाद में फिर बिजनेस वापस रिन्यू होने के बाद ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेज आ गई, उसके बाद में स्कूलों के बारे में बातचीत आ गई, बच्चों की पढ़ाई है वो नुकसान में चली गई, लेकिन किसी भी एक पॉइंट पे आपको ये पता नहीं चल पाया कि सर ने कब बातचीत चेंज कर दी। इट मीन्स यही एक तरीका है अपने इंग्लिश में भी, जो हिंदी में बातचीत होती है वैसे ही इंग्लिश में होती है, तो ये YWH वर्ड ऐसा है जो किसी भी टॉपिक को आपको ये लगने नहीं देगा कि आपने पॉइंट चेंज भी कर दिया है और आप दूसरे पॉइंट पे पहुंच भी गए होंगे,
बस यही अपना एक वे रहेगा जब किसी बातचीत को शुरू करके कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे और सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपको जो अभी मैं WH वर्ड दे रहा हूँ और जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ उसको आप डेली करें। उसको लिखने के बाद में अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें विदाउट एनी हेजिटेशन। बट फिर से एक ही बात बोलूँगा, स्पीक विदाउट एनी हेजिटेशन एंड क्लियर एंड लाउड। साफ बोलें और तेज़ बोलें ताकि आपकी इंग्लिश स्ट्रांग हो। आप उम्मीद आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और अगर आया है तो आप इसको लाइक करना नहीं भूलें। वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और शेयर एंड सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।